निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने साल 1987 में रामायण का निर्माण किया। उनके इस पौराणिक सीरियल को टीवी के इतिहास में आज भी शाहकार माना जाता है। लोगों की पहली पसंद बन चुके सीरियल की सफलता का आलम यह था कि घंटों पहले से सभी परिवार वाले अड़ोसी पड़ोसी टीवी के सामने जमा हो जाते थे, सड़कें खाली हो जाती थी। रामायण के सभी किरदार भी लोगों के दिलों में उतर चुके थे। राम और सीता के किरदार तो इतना मशहूर हुए कि उनके टीवी पर आते ही अगरबत्ती जलाकर पूजा तक की गई। अरुण गोविल और दीपिका को भगवान की श्रद्धा से देखा जाता था। इसी रामायण में एक ऐसा किरदार भी था जो लोगों के खौफ और घृणा का पात्र बना। और तो और, धारावाहिक में जब उनके पात्र का वध हुआ तो देश के गांव में आतिशबाजी की गई, मिठाइयां बटी। रामायण में एक किरदार था लंकापति रावण का, और इस किरदार को बखूबी निभाया अभिनेता अरविंद त्रिवेदी ने। उनका पहाड़ सा शरीर हुआ करता था और जब वो अपनी दमदार आवाज में डायलॉग्स बोलते थे तो लगता था मानो वास्तविक रावण ही टीवी में गरज रहा हो। यूं तो रामायण और भी बनी, लेकिन जब भी रावण के किरदार की बात होती है तो आज भी सबसे पहले अरविंद त्रिवेदी का गुस्से से लाल और रावण के रोबीले हाव भाव वाला चेहरा ही सामने आता है। रामानंद सागर के रावण यानी अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर साल 1937 को मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हुआ। बचपन से ही अरविंद का परिवार गुजरात आ गया, जहां इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। छुटपन से ही अरविंद को रामलीला देखने का बेहद शौक था। उनके बड़े भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती थिएटर के जाने माने कलाकार रहे हैं। ऐसे में अरविंद के अंदर भी एक्टिंग करने की भावना पैदा हो गयी। आखिरकार बड़े भाई के कदमों पर चलकर वो भी अभिनय की दुनिया में आ गए। शुरुआत में ही भाई के साथ कुछ नाटक किए, इसके बाद गुजराती फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए, लेकिन अरविंद की मंजिल और सपने अभी दूर थे। एक्टिंग में बड़ा नाम कमाने के लिए आखिरकार वो मुंबई चले आए। मुंबई में काफी स्ट्रगल था, लेकिन लगन और मेहनत के दम पर साल 1971 में इनके फिल्मी करियर का आगाज हुआ बलराज सहनी की फिल्म पराया धन से। अरविंद का रोल छोटा जरूर था, लेकिन वो नोटिस कर लिए गए। इसके बाद वो आगे भी फिल्मों में काम करते रहे। इस दौरान उनकी जंगल में मंगल, प्रेम बंधन और हम तेरे आशिक समेत कई हिंदी फिल्में रिलीज हुई। साथ ही साथ वो गुजराती सिनेमा में भी लगातार काम करते रहे। अरविंद के पास काम तो बहुत था, लेकिन अभी भी पहचान बनाना बाकी था। साल 1987 में अरविंद को पता चला कि रामानंद सागर विशाल स्तर पर पौराणिक धारावाहिक रामायण का निर्माण कर रहे हैं। अरविंद इससे पहले उनके साथ विक्रम और बेताल सीरियल में काम कर चुके थे। अरविंद रामानंद सागर से मिले और उन्होंने अपना ऑडिशन दिया। वो रामायण में केवल एक रोल पाना चाहते थे, लेकिन होनी को तो कुछ और ही लिखा था। अरविंद की एक्टिंग और शरीर की डील-डोल को देखकर रामानंद सागर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें लंकापति रावण के किरदार के लिए चुन लिया। इससे पहले रामानंद सागर रावण के किरदार के लिए करीब 300 कलाकारों का ऑडिशन ले चुके थे, लेकिन ऑडिशन पर अरविंद त्रिवेदी का हुनर देखते ही रामानंद सागर ने तुरंत ऐलान कर दिया कि मेरी रामायण में रावण तुम ही बनोगे। अरविंद ने उनके इस फैसले का मान भी रखा। उन्होंने लंकेश के किरदार को इस तरह से अपने अंदर आत्मसमात करके निभाया कि ये रोल उनके और रामायण के इतिहास में अमर बन गया। रामायण पूरा हो जाने के बाद अरविंद को ज्यादातर विलन के रोल ही ऑफर किए गए, लेकिन उन्होंने इस दौरान भी बहुत से फिल्मों और धारावाहिकों में काम किया। रामायण के बाद वो धारावाहिक विश्वामित्र में भी नजर आए और उन्हें खासा पसंद भी किया गया। अरविंद ने अपने फिल्म करियर में हिंदी और गुजराती मिलाकर कुल 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अदाकारी में नाम रोशन करने के बाद अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। 1971 में ये बीजेपी के टिकट पर गुजरात की साबरकांठा सीट से चुनाव भी लड़े। चुनाव का नतीजा इनके पक्ष में आया तो वो सांसद भी बने। साल 2002 में अरविंद को भारतीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी CBFC के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया। दरअसल कुछ हुआ यूं कि मशहूर फिल्ममेकर और अभिनेता देवानंद के भाई विजय आनंद ने अपने वैचारिक मतभेद की वजह से साल 2002 में सेंसर बोर्ड चेयरमैन का पद छोड़ दिया था। उनके बाद ये जगह रिक्त हो गई। ऐसे में अरविंद की योग्यता को देखते हुए उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अरविंद त्रिवेदी की उम्र इस वक्त तकरीबन 84 साल हो चुकी है। वो एक्टिंग छोड़ चुके हैं और उन्हें पहचानना भी अब बड़ा मुश्किल सा लगता है।
रामायण में भले ही अरविंद ने लंकेश बनकर राम को सताया था, लेकिन असल जीवन में वो प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त हैं। और यही वजह है कि एक भरा पूरा परिवार होने के बावजूद उनका ज्यादातर समय भगवान राम की भक्ति में ही बीतता है। वो लगातार समाज सेवा से जुड़े हैं, विशेषकर तीर्थ यात्रियों की सेवा पर वो खुद को धन्य समझते हैं। हम तो अरविंद के बारे में बस इतना ही कह सकते हैं कि भगवान राम अपने इस धारावाहिक शत्रु और वास्तविक भक्त को लंबी उम्र दे। वाकई रावण हो तो ऐसा।